हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप इनकी हेयर लेंथ एंड क्वालिटी देख सकते हैं। हेयर की थिकनेस मीडियम है और थोड़ा सा बेबी टाइप का इनका हेयर है। तो इनके हेयर पे मैं करने वाली हूँ मल्टी स्टेप्स विद फ्लावर हेयर कट। चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले टॉप एरिया से हमें बॉक्स पार्टिंग करनी है और ऊपर की तरफ मतलब 180 डिग्री पे इसे सीधा लेके जाना है और शोल्डर के पास से मेज़र करके इसको हम कट कर देंगे। अगर किसी को और ज़्यादा छोटा चाहिए थोड़ा सा, तो आप उसे शोल्डर से थोड़ा ऊपर भी रख के कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर मत कीजिएगा। बराबर इसे कट कर देंगे, उसके बाद फिर से एक बार रीचेक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो गाइडलाइन है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद में हम हेयर को क्या करेंगे, ये जो गाइडलाइन है इसको हम पूरा ऐसा छोड़ देंगे हाफ हाफ डिवाइड करके और पूरा अच्छे से कोम करके बालों को ऐसा फैला लेंगे। उसके बाद में ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन कटिंग का जो लुक है वो बहुत अच्छा निकल के आने वाला है, आप देखिएगा लास्ट में। तो थिकनेस काफ़ी मीडियम है, तो मैं एक एक बार में ही उठा के कट करने वाली हूँ। अगर अच्छे घने हेयर होते तो इसको मैं जैसे 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी करती। तो हेयर को सीधे बिल्कुल 180 डिग्री पे लेके जाएंगे और बराबर ऐसा कट कर देंगे। टाइम भी कम लगता है और बहुत अच्छी कटिंग भी होती है। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर टू ईयर सेक्शन कट हो चुका है। गाइडलाइन के लिए हेयर को निकाल लेंगे पीछे वाले हेयर को कट करने के लिए और इसको हम ऐसा सिक्योर कर देंगे। तो पहले ईयर टू ईयर को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में सिर्फ बीच वाला पार्ट्स बचेगा, तो उसको भी हम सेक्शन वाइज ही डिवाइड करके कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हेयर को एक साथ में उठा लेना है। ध्यान रखिएगा थिकनेस का आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत हैवी हेयर है तो एक बार में उठा के कटिंग नहीं करेंगे, वरना फिर उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो उसको आप जो है 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। लेकिन अगर इनके जैसा मीडियम है या इनसे भी ज़्यादा लाइट हेयर है तो उसको आप एक बार में कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा लुक भी आएगा। उसके बाद में जो पीछे वाला हेयर है इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। तो इसमें जैसे पीछे का हेयर ऐसे 3 to 4 या 6 इस टाइप से आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पतले पतले मीडियम मीडियम सेक्शन को मैं ले रही हूँ और इसको डायरेक्ट हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 180 डिग्री पे। ये देखिए एक ही बार में इसे कट करेंगे हम और देखिएगा कितना अच्छा लुक आएगा। इस टाइप से कट कर देना है। मैं एक एक बार ही कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आप न्यू हैं, अभी सीख रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप हर एक लेयर की रीचेकिंग करके कटिंग करेंगे। जैसे अभी एक बार कट किया तो उसके बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लेयर को भी ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ मैं। और आप लोग मेकअप की वीडियो कौन से चैनल पे देखना चाहते हैं, मैं इस पर अपलोड करूँ या सेकंड वाले चैनल पे, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी मेकअप वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट वाली लेयर को भी इस तरीके से उठाएंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये कट हो चुका है, तो ये मल्टी स्टेप्स हो चुका है। उसके बाद में हम इसमें जो है थोड़ा सा इसको और अच्छा थोड़ा सा घना लुक देने के लिए इसमें हम फ्लावर कट भी मिक्स करेंगे। तो इससे स्टेप्स की मिक्सिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो है इसमें फ्लावर कट भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे हेयर को हम पीछे की तरफ लेके आएंगे और इसे हाफ हाफ डिवाइड करके ऐसा उठाएंगे। तो पहले हम ऊपर वाले जो हेयर हैं उसको कट करेंगे। तो इस कटिंग में आपको फ्रंट से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्रंट हेयर कट चाहिए, जैसे कि साइड बैंग्स हो गया, वो आप अलग से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बैक साइड से कट कर सकते हैं। तो मुट्ठी में रोल करना है, इस तरीके से फैलाने के बाद में इसको गोलाई से हल्का हल्का सा ट्रिम कर देना है। ये देखिए तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। अब जो नीचे वाले हेयर बचे हैं उसको भी हमें सेम ऐसे ही कट करना होगा। तो इसको भी हम एक साथ में ऐसा उठाएंगे। और कटिंग करने के लिए आप लोग ये वाली कोम जरूर रखें, बहुत अच्छी रहती है। एक टेलकम जो कि पीछे से ऐसा पेंसिल जैसी नोक होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ ये वाली आपको रखनी ही रखनी है। तो ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी, जहाँ पे आप पार्लर प्रोडक्ट जहाँ से बाय करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आसानी से मिलती है। तो वहाँ पे आप जाइएगा और लीजिएगा, क्योंकि ये 2 in 1 होता है। एक तरफ से आप इजीली हेयर को कोम करके सुलझा सकते हैं, बहुत हैवी हेयर है तो उसको आपको ग्रिप करने में, कोमिंग करने में आसानी होगी।
और एक तरफ पतला होता है, तो सेक्शन डिवाइड करना और पतले पतले सेक्शन के साथ में काम करने में बहुत आसानी होती है और अच्छा फिनिशिंग आता है लेयर में। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर कट भी ऐड हो गया है। उसके बाद में हम हेयर पे नीचे नीचे से इसमें थोड़ा थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए यू कट इसमें कर देना है। तो देखिए ऑलरेडी शेप आ जाता है लेकिन इसको फिनिशिंग देना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे कम से कम एक एक इंच शॉर्ट कर रही हूँ। तो जो सेंटर पार्ट है उसको बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इनका हेयर कट जो है कंप्लीट हो गया है। ब्लो ड्राई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ब्लो ड्राई करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है और अलग से भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और हाँ गाइस, जो मेरा सेकंड चैनल है ऑल अबाउट संगीता, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उस पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जो मेकअप वीडियो है उसी पर अपलोड करूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये कम्प्लीट हो चुका है। तो इसमें अगर आप सेटिंग नहीं भी करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा और लुक चाहिए तो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ ब्लो ड्राई करने के बाद में। तो ये है इनका फाइनल लुक, आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा। देखिए लेंथ भी इनकी मेंटेन है और बहुत अच्छे स्टेप्स भी निकल के आ गए। और जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि शोल्डर के पास से मेजर करके कट करें, तो देखिए स्टेप्स बहुत ऊपर तक चढ़ा हुआ नहीं है, शोल्डर के पास से है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस पर ये पोनी बनाएंगी या क्लच करेंगी तो ये ऊपर तक और दिखेगा, तो बहुत परफेक्ट स्टेप्स कट दिखता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आईडी आपको हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय।